ये सब चीजें यहाँ कैसे? ये टीवी ऑन कैसे? कौन? कौन? सेक्स का दीवाना रहा होगा, कुछ ज्यादा ही हो गई होगी। कोकेन लेता था। जो नजर आ रहा है आज रात यहां उससे कुछ ज्यादा ही हुआ है। सच पूछिए साहब, तो हमारी आंखें लग गई थी रात में। तुम्हारी ड्यूटी आंख लगने के लिए कि आंख खुली रखने के लिए? रखा तो हमें गया था आंखें खुली रखने के लिए ही, पर कभी कभी सिंघानिया साहब के कहने पर आंखें बंद करनी पड़ती थी। ए, मतलब की बात बोल। मतलब हम साहब और मेम साहब दोनों की ड्यूटी करते थे। मेम साहब हर आने जाने वालों पे नजर रखने के लिए पैसे देती थी और साहब नजर नहीं रखने के लिए पैसे देते थे। तो आज रात तुम्हें नजर ना रखने के लिए पैसे दिए गए थे? जी, क्योंकि मेम साहब आज शहर में नहीं है। तुम्हारे मेम साहब का नाम क्या है? मिसेज रिया सिंघानिया। ओम यमाय स्वाहा, अंधकाये स्वाहा, नित्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मात्यायी स्वाहा, विश्वे भेदेभ्य स्वाहा, द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम वायुरदलिम अमृतम अर्थदीतम अस्मान्तम शरीरम। सर, ये एयर टिकट की काउंटर फाइल है सर, जिस पर रिया सिंघानिया ने ट्रेवल किया था। ये रॉयल मिराज होटल के बिल्स की डिटेल है सर। इनके मुताबिक 27 से 29 मई तक वो दुबई के इसी होटल में ठहरी थी। ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल है सर, इसके मुताबिक उसने दुबई में खूब सारी शॉपिंग की थी। अरे सर, आप क्यों उसके पीछे पड़े? मुझे तो लगता है कि बेचारी बेकसूर है। और तुम्हें क्या लगता है? दूसरा शक मिस्टर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड पे जाता है सर। सोनिया शर्मा किसी एड एजेंसी में काम करती है। मिसेस सिंघानिया ने अपने बयान में यह कहा है कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी। इसके अलावा एक आदमी और है सर, जो शक के घेरे में आता है, सिद्धार्थ सरदेसाई। मिस्टर सिंघानिया की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, लेकिन इस वक्त उनकी कंपनी में 25% का पार्टनर है। सिद्धार्थ सरदेसाई। हम सब जानते हैं कि मिस्टर सिंघानिया ने इस कंपनी को बहुत ही मेहनत से बनाया है। उनकी अचानक मौत से ना सिर्फ इस कंपनी को लेकिन हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब हमें इस कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना होगा, यहां की एक एक चीज को बदलना होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज, तुम यही कहना चाह रहे थे ना कि हमें उन चीजों को बदलना चाहिए
जो इस कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। राइट राइट। आज के बाद आप जो भी ऑर्डर्स लेंगे डायरेक्टली मुझसे लेंगे। जीनिया, यस, हर डिपार्टमेंट की डेली रिपोर्ट्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। यस मैम। निकिता, पिछले 5 सालों की प्रोग्रेस चार्ट्स मुझे कब तक मिल सकती है? विद इन 2 डेज मैम। मिस्टर मूर्ति, आप आधे घंटे में इस साल की अकाउंट डिटेल्स के साथ मेरे कैबिन में पहुंचिए। यस मैम। ये सब करके तुम नहीं, आप। दिस मीटिंग इज ओवर। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरा कसूर क्या है? हा? तुम जानते थे अमित मुझे चीट कर रहा था। What nonsense? उसका किसी के साथ अफेयर था। रिया, तुम कुछ भी। हाँ या ना? हाँ। बस मुझे मेरा जवाब मिल गया और तुम्हें तुम्हारा। एक बात और, कंपनी के पब्लिसिटी के इंचार्ज तुम हो, राइट? हाँ। मैंने डिजाइन्स देखे, बहुत बुरे हैं। तुम इस एड एजेंसी को फोन करके एक नया कैंपेन तैयार करने को बोलो, वरना एड एजेंसी चेंज कर दो। आई वांट रिजल्ट्स, यू हैव 2 डेज। हाय। जिसका डर था वही हुआ। मतलब? वो ऑफिस में पहुंच गई है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली। गुड मॉर्निंग। उसे 2 दिन के अंदर एक नया एड कैंपेन चाहिए, वरना वो एड एजेंसी चेंज कर देगी। ओह माय गॉड, कहीं उसे मेरे और अमित के बारे में? नहीं, लेकिन वो इतना जरूर जान गई है कि अमित की कोई गर्लफ्रेंड थी, और शायद ये भी कि उन दोनों को मैंने ही मिलवाया था। तो अब क्या करना चाहिए? अपने बॉस के साथ मिलकर कुछ सोचो, वरना ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे ना मेरे। आदित्य, will you stop playing? I'm not playing. I'm thinking. Thinking? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सोचने का कौन सा नया तरीका है? तरीका ही नहीं, पूरी सोच नहीं है। होम थिएटर के लिए नई एड तैयार करनी है। डॉल्बी का इफेक्ट चेक कर रहा हूँ। हमारी कंपनी की कमजोर दीवारें तुम्हारे ये आइडियाज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। खेल तुम रहे हो लेकिन आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही है। Yes, मिल गया। Thank you, Sonia. Thank you very much. Video sound home theater. देखेंगे आप, सुनेगी आपकी पूरी बिल्डिंग। Thank you. आदित्य, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। Tomorrow, between 9:30 and 6:30, okay? आदित्य, स्पाइकर जीन्स के लिए नया आइडिया ढूंढना है। 2 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन है। लेकिन मेरा अभी इस वक्त कहीं और प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। Bye, Sonia. Thank you. आदित्य। Bye, Sonia. Damn it. और नहीं आते तो मैं किसी और से लिफ्ट मांग के घर चली जाती। सॉरी यार, क्या करूं? मैं घड़ी के सुइयों से बंद के नहीं जी सकता। बीवी बच्चे इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मेरे आइडियाज कभी इंतजार नहीं कर सकते। राइट। आइडियाज की कीमत तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? 6 साल पहले बोरीवली की लोकल ट्रेन में अगर तुमसे शादी करने का आइडिया नहीं आया होता तो तुमसे सुंदर, तुमसे अच्छी और तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली बीवी कहाँ मिलती? और मुझे इतना प्यार करने वाला पति कहाँ मिलता? राइट। But I hate you for coming late every time. आज का कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते वक्त 3 चीजों को कंसिडर करता है, वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्टाइल। क्योंकि आपका प्रोडक्ट हाई प्राइस सेगमेंट में आता है, इसलिए इसमें वैल्यू फॉर मनी और क्वालिटी के मुकाबले स्टाइल की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। इसलिए हमारी कैच लाइन होगी, केयर्स फॉर योर स्किन एंड गिव्स यू अ स्टाइल। वाओ, फैंटास्टिक। मुझे नहीं लगता कि हमें और कुछ सोचने की जरूरत है। इट्स गुड, इट्स रियली गुड। इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं आप?
हर बार आपने इस प्रोडक्ट को आपका प्रोडक्ट कहा है। अगर आप इस प्रोडक्ट को अपना नहीं मानते, इसे प्यार नहीं करते, इसकी खासियत नहीं बताएंगे तो कंज्यूमर क्या खाक अपनाएगा? आई थिंक ये काम आप लोगों के बस का नहीं है। बेकार की बात कर रही हैं आप आदित्य। एक सेकंड यार, अब आप मेरी बात सुनिए। जिस चीज को आपको बेचना है, अगर आप उससे प्यार करेंगे तो उसे कभी बेच ही नहीं पाएंगे। आज का कंज्यूमर इतना बेवकूफ नहीं है मैडम। आप जितना ही अपने प्रोडक्ट की कमियों को उससे छिपाएंगे, वो उतना ही उस पर शक करेगा। जैसे अगर आप इस कोल्ड ड्रिंक को ये कह के बेचेंगे कि दुनिया की बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक है और आपके प्यास को बुझा सकती है, तो कोई घास नहीं डालेगा आपको मैडम, क्योंकि इसमें नया क्या है। दुनिया की सभी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां यही बोलती हैं। पर अगर आप ये कहें ये कोल्ड ड्रिंक आपके प्यास को जगा सकती है, तो शायद कोई नई बात हो। हम सब इस धंधे में पैसा कमाने के लिए हैं, क्योंकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होता कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना प्यार करती हैं, बल्कि वो ये देखना चाहता है कि आप उसके पैसे के बदले उसे दे क्या रही हैं। ओके, गुड बाय। Who's this man? आदित्य, आदित्य मल्होत्रा। Hi, Millie. Looking good. Thank you. Where is Neha? अंदर कैबिन में। Okay, thank you. अगर आप किडनी डोनेशन के लिए हाँ कर देती हैं, तो ना सिर्फ उस दूसरे बच्चे की जान बचेगी, बल्कि आपके बेटे का हिस्सा अब भी जिंदा रहेगा। आप भी एक माँ हैं, उस माँ का दर्द समझ सकती हैं। अगर आप उसकी जगह होती तो आप क्या करती? आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ पे साइन कर सकती हैं। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, तुम साइन कर दो। कर दो। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? इतने मुश्किल हालात में खुद को इतना कूल और कंपोज कैसे रख पाती हो? जब किसी की जान बचाने का सवाल हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिग वर्ड्स। देखे हमारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है। इंग्लिश फैंटास्टिक, साइंस अपनी माँ पे गया है, वेरी गुड, और क्राफ्ट मेरा बेटा। क्या देख रहे हो? अरे यही कि हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड। क्या हुआ? तुम्हें ऐसे देख के मेरे अंदर का शायर जाग उठा है। इरशाद, अर्ज किया है गेसुओं को चूम के मचलती हुई ये बूंदे मरमरी कांधे से फिसलती हुई ये बूंदे ठहरे हुए ये लम्हे बढ़ती हुई ये धड़कन दिल कहे मैं तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। अपने दिल की सुनी तो देखते ही देखते बाकी की रात गुजर जाएगी। मेरे दिल की सुनो कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? यही कि बाकी की नज़्म अपने होंठों को लिखने दो, ताकि लम्हों को शिकायत का मौका न मिले। Thank you.
न्यूज यार, गुड न्यूज। रिया सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो गई है। कमन कमन, गेट अप गेट अप, मीटिंग के लिए उसके घर जाना है। लेकिन 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 कुछ नहीं, तुझे चलना ही पड़ेगा। सर, रिया सिंघानिया का फोन आया था, उन्होंने सिर्फ आदित्य सर को डिस्कशन के लिए बुलाया है। बॉस, लेकिन मैं किसी घर नहीं जाता, मैं काम की बात किसी घर पे क्यों करूं? अपने लिए ना सही, कंपनी के लिए तो जा। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, और देख वो जैसा कहे प्लीज भगवान के लिए वैसा ही करना। किससे मिलना है? रिया सिंघानिया। वहां पार्क कर दीजिए। Thank you.
अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। ओह, अभी अभी। कम, जॉइन मी। कुछ पियोगे? नो, थैंक्स। जानते हो मैं कल तुम्हारी एजेंसी क्यों गई थी? हाँ, हमारी एजेंसी को अपनी एड कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट देने। गलत, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने। पर तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? खास बात तुम में नहीं, मुझ में है। मैं सही वक्त पे सही इंसान को पहचान लेती हूँ। तुम अलग हो। मैं समझा नहीं। सुबह से मुझे ज्वाइन कर लो, मैं डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। नए लोगों के लिए पुराने लोगों को छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। वैसे मैं एक स्क्रैच फिल्म बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। आइडिया पसंद आए तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। तुम जो करना चाहो कर सकते हो। I'm sure मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद आएगी। इसमें बजट की डिटेल्स हैं। कल सुबह तक आप इसको सैंक्शन करके ऑफिस में भिजवा दीजिए। कल सुबह रात शाम के बीच बहुत लंबी रात है। मैं तुम्हारी एक भी रात पर बात नहीं करना चाहती। पेन? यस। थैंक यू। ओके, मैं कल रात आज रात से मैं काम शुरू कर देता हूँ। फिल्म तो अच्छी लग रही है। अच्छी तो है, लेकिन रिया को अच्छी नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम नहीं आदित्य इस अकाउंट को हैंडल कर रहा होगा, समझी? ये सब क्या है? It's complete nonsense. हमारी संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल बेहुदा है ये। I think it's great. स्पाइकर के इमेज के हिसाब से परफेक्ट है। गुड जॉब। जो काम तुमने किया है वो कोई नहीं कर सकता। गुड जॉब। थैंक्स। व्हाई डोंट यू कम विद मी? हम रास्ते में कैंपेन लोग और होर्डिंग्स भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मगर इस हाँ इसी वक्त जाना चाहिए। टाइम इज मनी माय फ्रेंड। ये आप कहाँ लेके आ गई मुझे? आप तो कुछ डिस्कस करना चाहती थी। रिलैक्स, चलो मेरे साथ। कम ऑन। सॉरी, मैं काम के वक्त नहीं पीता। और मैं पीते वक्त काम नहीं करती।
इतना थकाओगे अपने दिमाग को तो दिमाग फट जाएगा। तुम्हें मेरी कंपनी के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ करना है। फिलहाल जो काम तुमने आज किया है उसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। So come on, let's hit the floor. No, मैं यही ठीक। As you wish. सर्दी हो जाएगी। देखो मुझे ऑलरेडी लग गई,
I need to change. कहाँ? यहाँ. मैं यहाँ चेंज करूंगी. Come on. तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें कहाँ ले आई. ये मेरे पति का अपार्टमेंट है. His love shack. Come, come. Come on na. All right, I'm coming. Yeah, I'm coming. ये बात और है कि वो यहाँ. Make yourself comfortable na. ये और बात है कि मुझे सब बात उसके मरने के बाद पता चला. अब तुम सोच रहे होगे कि अगर मुझे ये सब बात पता ही नहीं था तो ये सब ड्रेसेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? ये भी मेरे नहीं है. ये सब उसके गर्लफ्रेंड्स के थे. ये सब, ये भी. He used to cheat on me. देखिए, बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा? अब जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना? ठीक कहते हो तुम. जो नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए. जो है उसके बारे में सोचना चाहिए. Look at me. क्या कमी है मुझ में? Am I not pretty? हाँ? But he's just still cheat on me. Why? क्यों? देखिए, मैं चलता हूँ. कल सुबह मैं आपसे बात करता हूँ. सुबह? मैं नहीं चाहता कि जो गलती आपके पति ने की थी वो मैं भी करूं. बाय. आपने तो बोला था आज पापा छोड़ने जाएंगे. क्लास से पहले मेरी फुटबॉल प्रैक्टिस है. 7:30 बज चुके हैं और पापा अभी तक सो रहे. किसने कहा कि पापा सो रहे हैं? पापा अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आएंगे, लेकिन एक शर्त पे. फुटबॉल मैच में तुम जरूर जीतोगे, चाहे किसी का सर फोड़ो या किसी की टांग तोड़ो. आदि क्या सिखा रहे हो तुम बच्चे को? जान, आपस की बात है. मंजूर? मंजूर. दैट्स लाइक अ गुड बॉय. कम ऑन, कम ऑन. कल रात तुम फिर देर से आए? वही उसी क्लाइंट की वजह से थोड़ी देर हो गई थी. अरे कौन सा क्लाइंट है जो हर रोज हमारी बीवी का वक्त चुराता है? कहीं ये क्लाइंट कोई खूबसूरत लड़की वड़की तो नहीं? 7:20 तो यही हो गए. लेट हो गए यार. चल. अरे पानी का बॉटल दे दो. बाय. हेलो. वो हाय रिया. ओह इट्स यू. I was waiting for your call. Riya, मुझे तुमसे कंपनी के पॉलिसीज के बारे में कुछ बात करनी थी. और मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है, पर इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ. Why don't you do one thing? करीबन 4 बजे हमारी सिटी मॉल की आउटलेट आ जा. तुम्हारा ऑफिस भी नजदीक है, वहीं भी बात हो जाएगी. नहीं नहीं रिया, मेरे साथ प्रॉब्लम. यार ये 4 बजे सिटी मॉल आ रही है और मुझे वहां बुला लिया है. मैं नहीं जाऊंगा यार वहां पे. अरे चला जा यार, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है. तुझे तो कंपनी की हालत मालूम है आदित्य. किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होना चाहिए. नो, इट्स नॉट लुकिंग नाइस. ओके, ऑलराइट,
Hi, come in. Do it right away. Change it. Okay, ma'am. Thank you. Hi. Hi. अपने शोरूम में एक सरप्राइज विजिट. Keeps the employees in check, don't you think? Right. Oh, finally I see a good section. Smart. What? गिफ्ट. पहली बार तुम्हें गिफ्ट दे रही हूं, इसे संभाल के रखना. हाँ, इसे गिफ्ट रैप कर दो. यस मैम. एक्सक्यूज मी, इस पेपर पर साइन, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट. साइन करने से पहले पढ़ सकती हूँ? या श्योर मैम. थैंक यू. वेलकम. एक्सक्यूज मी, इसे पढ़ लीजिए. घर चलते हैं, वहीं पे साइन कर दूंगी. बैठो. On the rocks. Okay. Here. Thanks. क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे. फिर कभी मुझे पैसों के लिए फोन मत करना. मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं. मैं किसी के भी साथ हूं, किसी के भी. तुम्हें उससे क्या मतलब? अपनी औकात में रहना. How dare you? एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम. तुम्हारा ये धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, इसलिए मुझे दोबारा फोन मत करना. Is that clear? मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ नहीं, दरअसल मैं कहने आ रहा था कि मुझे चलना चाहिए. मैं, you don't bother, मैं साइन करा लूंगा. मैं तुम्हें कल. कहाँ जाना है? घर. ये घर नहीं है. नहीं है. रिया, आई मीन ये घर है, लेकिन ये घर तुम्हारा है. मुझे अपने घर के लिए देर हो रही है. जाहिर है, घर तो उसी को कहते हैं जहां हर रोज शाम ढलने के बाद खूबसूरत बीवी अपने पति का इंतजार करती है. रही बात इस घर की, तो उस घर को घर बनाने का मेरा सपना ही रहा. यहां रोज शाम भी ढली और रोज मैंने इंतजार भी किया, पर वो अपनी रातें कहीं और गुजारता गया, किसी और के साथ. अकेलेपन से भी ज्यादा जिल्लत सही है मैंने.
काश हम पहले मिले होते, काश तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। रिया, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती क्या तब भी तुम मुझे छोड़ के चले जाते? हाँ देखो रिया, कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग। गुड मॉर्निंग जानू, सरप्राइज सरप्राइज। अच्छा टाई है, किसने दिया? ये कहाँ से मिला तुम्हें? गाड़ी में था, शायद तुम भूल गए थे। नाइस कलर। वो किसी क्लाइंट ने दिया था। स्मार्ट क्लाइंट है जो तुम्हें खुश करना जानता है, और तुम भी उसके लिए इतना काम कर रहे हो कि तुम मुझे ही भूल गए। नहीं यार, जाने से कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, बस कुछ दिनों की बात है। अगर दिनों की बात है तो दिनों तक ही रखो ना, एटलीस्ट रात को तो टाइम पे आया करो। अच्छा ये क्लाइंट कोई लड़की नहीं है यार, कितनी बार बोल चुका हूँ, रोज तुम्हें एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछोगे तो मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। मैं काम के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? नाश्ता बना के रखा है, eat and go, I love you. Love you. ओहो, टाई। Thank you.
मल्होत्रा साहब, फोटोग्राफ्स कैसे? कौन हो तुम? बिजनेसमैन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे फोटोग्राफ्स भेजने की? हिम्मत तो आपकी है साहब, घर में जवान और खूबसूरत बीवी होते हुए। शट अप, खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। ना मैं नेहा के बारे में कुछ कहूंगा और ना मैं नेहा से कुछ कहूंगा, बस आपको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ठीक है, कल सुबह हॉलीडे में मिलो, फिर बात करूंगा तुमसे। तीन बातें ध्यान से सुनो। पहली, जगह तुम्हारी नहीं मेरी होगी। और दूसरी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर लिफाफा छोड़ना होगा। तीसरी और आखिरी बात, रकम 5 लाख होगी और ये सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट होगी। देखो देखो, जब तक तुम मुझे मिलोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें एक पैसे नहीं। हेलो हेलो हेलो, आइए आइए मिस्टर आदित्य मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा? यस। कैली दौरजी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हेलो। अमित सिंघानिया के मर्डर के बारे में आपसे बात करनी थी। मर्डर? पर अमित सिंघानिया की मौत तो ड्रग ओवरडोज के कारण नहीं हुई थी, बल्कि कातिल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये नाटक रचा था। हाँ, पर मैं इस केस में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद तो हम आपकी करने आए हैं मिस्टर आदित्य। इस वक्त हमारे शक के दायरे में मिसेस सिंघानिया का नाम सबसे ऊपर है। उसने अपने पति को इतनी सफाई से मारा कि उसकी मौत खुदकशी लगे। आप लोग मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मिसेस सिंघानिया जवान और निहायत ही खूबसूरत है। और इरादा कर ले तो किसी भी इंसान का ईमान खराब कर सकती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूं, आप अच्छे इंसान हो और रिया सिंघानिया के लिए एक काम कर रहे हो, राइट? यस। पर मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये रिश्ता एक क्रिएटिव हेड और क्लाइंट का रहे तो अच्छा है। आदि, वो बड़ा हो गया है, लेट मीट। ठीक है ना, बाप उसका मैं। हाँ, यहाँ से लो। अपने छोड़ना नहीं है, अब क्यों खत्म करो। तुम्हारे पहचान की है? नहीं, मैनेजर मेरे पहचान का नहीं है। वो मैनेजर तो मैंने तुम खाओ यार, मैं जरा टॉयलेट सो के आता हूँ। खाना छोड़ के? मेरे ख्याल से लूज मोशन है। क्या कर रही हो तुम? नाराज हो मुझसे? नहीं तो? तो फिर मिलने क्यों नहीं आए? अगर दिवाकर ने तुम्हें बताया होगा कि मैं यहाँ हूँ तो ये भी बताया होगा कि मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। रिया, देखो मेरी फैमिली बाहर बैठी हुई है। देखो मैंने नाज वादा किया था। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अपनी प्यास बुझा रही हूँ। My wife's there. Sorry. You've been a very good boy. Now vanilla ice cream. खाना खा चुके तुम? हाँ पापा। डैडी के साथ कौन देगा? इतनी देर लगा दी, खाना ठंडा हो गया? हाँ नहीं, बस थोड़ा सा पेट खराब है, I mean थोड़ी हालत खराब है।
Are you okay? Yeah, fine. Hello, Bhabhi. Hi, Divakar. Hello, Aditya. यार तू क्या कर रहा है? मैं जरा लेट हो गया हूँ. तूने रिया को देखा? कौन? ये रिया कौन है? हाय आदित्य. वो हाय यार. वाइफ? या यार माय वाइफ नेहा एंड रिया माय न्यू क्लाइंट. हाय. एंड दैट क्या नाम है इसका? दिवाकर. दिवाकर. या दिवाकर. यू नो हिम. चलिए दिवाकर. बट डिनर जो हमें पसंद है वो आज यहाँ मिलेगा. चलो आ रहे हैं. तुम लोग चलो, मैं जरा ऑफिस से डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ. इस वक्त? हाँ, वो अभी भी याद आया मुझे. एक्चुअली मुझे इस पे काम करना है, रात को अर्जेंट है. ओके ओके. रिया, रिया, समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या जरूरत थी वहां आने की? मैं तो रेस्टोरेंट मीटिंग के लिए आई थी. तुम जानती थी कि मैं अपने बीवी बच्चे के साथ उसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूं. देखो, अगर नेहा को पता चल जाता तो. पता चला तो नहीं ना, क्या करूं? दिल बहुत चाह रहा था तुम्हें देखने का और मुझे इसकी बात माननी पड़ी. क्यों रिया, क्यों कर रही हो तुम? एक बात कहूं, अगर तुमने मुझे मिलने से इनकार कर दिया तो शायद मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊं. Yes. अरे बोलेंगे भी. चिल्लाइए मत साहब, आपकी बीवी की नींद खुल गई तो बेकार में चार सवाल पूछेगी. इतनी देर से क्यों आए, कहाँ थे अब तक, कमीज के बटन कैसे टूट गए, वगैरह वगैरह वगैरह. क्या चाहिए तुम्हें? बता चुका हूँ. ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे फोटोज और नेगेटिव्स दोनों चाहिए साथ में, समझ गए? पहले इंस्टॉलमेंट मिलते ही फोटोज आपके पास पहुंच जाएंगे. रही बात नेगेटिव्स की, तो हमारे पास आपकी अमानत है. अमानत गई भाड़ में, पूरी कीमत बोलो. चिल्लाइए मत, आपकी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है. जीने के लिए सांसों की जरूरत है, पर सारी सांसें एक साथ ले लेने से जिंदगी लंबी नहीं हो जाती. आप पैसे देते रहिए, हम आपको आपकी सांसें देते रहेंगे. कौन है? वो कोई पुराना कॉन्ट्रैक्टर था. वो जो पे जो मैग्नम वाले ने होर्डिंग्स लगाए थे ना, सो उसी के पैसे मुझसे मांगता रहता है.
कहाँ थे? ऑफिस फोन किया तो पता चला तुम 4 घंटे पहले ही निकल गए थे। मोबाइल पे फोन किए जा रही हूँ, मोबाइल बंद है। कम से कम इतना तो बताकर जाया करो कि अगर कोई जरूरी काम हो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट कहाँ करूँ। ओह माय गॉड, इतने सवाल तो कोई जज अदालत में खूनी से भी नहीं पूछता। मैं तुम्हें अदालत में खड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आर्य गिर गया था, उसे चोट लगी है। What? अब उसे जगाना मत, बड़ी मुश्किल से सोया पेन किलर्स लेके। आदि, काम तो तुम पहले भी करते थे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि एक काम तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे काम के बीच में आ रहे हैं और तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, तो मैं आर्या को लेकर पापा के घर चली जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। What do you mean, जैसा तुम चाहो? मैं घर छोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हाथ जोड़ूं तुम्हारे, पांव पकड़ूं, अपने घर में रहने के लिए तुम्हारी मन्नत करूं? I'm fed up!
मुझे मालूम था तुम आओगे। I'm so happy। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक्चुअली चुपचाप होंठों पे दस्तक दे के जाने दो उसे। कहने सुनने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। Let's not wait। रिया, I'm serious। देखो मेरी आंखों में, जी चाहता है तुम्हें हमेशा इनमें बंद करके रखूं। इन होंठों को देखो, कितनी तड़प है तुम्हारे लिए। इस चेहरे को देखो, ये सुकून इसलिए है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हो। रिया, मेरी और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो मेरी भूल थी। नेहा मेरी बीवी है और मैं उसे। ओ कम ऑन आदित्य, तलाक दे दो उसे। What? बहुत पैसे है मेरे पास आदित्य, जितना मांगे उन्हें दे दो। मैं जिंदगी भर उन दोनों का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। बस एक बार तू मेरे पास आ जा। Shut up! अपने पैसे से मेरा परिवार और मेरे बीवी बच्चे को खरीदना चाहती हो। तुम जिस औरत की जगह लेना चाहती हो वो मुझे तुमसे हजार गुना ज्यादा प्यार करती है। और कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे नहीं अपनी बीवी से प्यार करता हूं। क्या कहा तुमने? तुम अपनी बीवी से प्यार करती हो? उस दिन कहां गया था तुम्हारा प्यार? जिस दिन तुम मेरे साथ सोए थे। तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जिसे बहला फुसला कर प्यार करने पर मजबूर किया जाए। इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। और अब कहते हो मेरी भूल थी? भूल तो मैं गई थी कि मैं एक ऐसे आदमी से प्यार कर रही हूं जो किसी का हो ही नहीं सकता, जो अपनी बीवी को धोखा देके मेरे साथ रिश्ता कायम कर सकता है। वो मेरा क्या होगा?
मुझे मारकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम एक मर्द हो? अरे तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब गेट आउट। हेलो, तुम्हारी सांसों की आवाज को पहचानती हूं मैं। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही या पछतावा हो रहा है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं अभी। इट्स ओवर। तुम्हारे मेरे बीच जो भी था खत्म हो गया। कौन है स्वीटहार्ट? है नहीं, था। किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी को बुला रहा था, मिल नहीं रहा है। अब तुम मुझे सिखाओगी मार्केटिंग क्या होती है? तुम्हारी औकात क्या है? 10,000, 20,000, 40,000? तुम जितना एक महीने में कमाती हो उतना तो मैं अपने ड्राइवर्स के यूनिफॉर्म्स पे खर्च करती हूँ। इनफ। दिवाकर, इनसे कहो कि हम इनके कैंपेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इनकी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी और एड एजेंसी का दरवाजा खटखटा सकती है। दिवाकर, तुमने इसे बताया नहीं? अब वो मैं रहने दो, मैं बताती हूँ। मिस सोनिया, तुम इस कंपनी के शेयर्स जिस कीमत पे खरीदना चाहती थी उससे दुगनी कीमत पे मैंने खरीद ली है। ये सब क्या है दिवाकर? मैं क्या कर सकता था? इन्होंने ऐसा ही ऑफर दिया कि मैं रिफ्यूज नहीं कर सका। मैं ऑफर से ऐसे देती हूँ कि कोई इनकार ना कर सके। आज के बाद यहाँ वही रहेगा जो मेरी बात मानेगा। How can she just walk in and take over like this? मुझे दिवाकर से उम्मीद नहीं थी। अरे इतनी मेहनत करके हमने इस एड एजेंसी को यहाँ तक पहुँचाया है और अब ये बैठे-बैठे हमारी मेहनत का फल खाएगी वो। Bloody hell. उसका दिमाग खराब हो गया। You don't worry. तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ना ही तुम्हें इस कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। उसे कोई सबक सिखा सकता है तो सिर्फ मैं। You just wait and watch.
what I do to this woman. अच्छा प्ले था, है ना? पापा, आजा। मरियम, आर्या को लेकर ऊपर जा। जी मैम। कम ऑन आर्या। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कहाँ गए थे तुम लोग? बच्चों का नाटक दिखाने, ताकि इसका ध्यान बढ़ सके। किससे? घर पे जो नाटक चल रहा है उससे आर्या को लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रहा है। और तुम, तुम्हें क्या लगता है? मैंने पत्नी बनकर सोचना बंद कर दिया है आदि। अब मैं एक 6 साल के बच्चे की मां की तरह सोचती हूं। तुम भी पति बनकर भले ही ना रहो, कम से कम एक अच्छे बाप की तरह रहना सीख लो। आज के बाद यहां वही रहेगा जो मेरी बात मानेगा। मैं एक ऐसे आदमी से प्यार कर रही हूं जो किसी का हो ही नहीं सकता, जो अपनी बीवी को धोखा देके मेरे साथ रिश्ता कायम कर सकता है, वो मेरा क्या होगा? लायक ही नहीं हूं। आज के बाद यहां वही ऐसे आदमी से प्यार जो मेरी बात मानेगा, जो किसी का जो अपनी बीवी को धोखा देके मेरे साथ रिश्ता कायम कर सकता है, वो मेरा क्या होगा? तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ बात करनी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? Is this what love is to you? मुझे तुम्हारी जिंदगी से गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें कोई दूसरा मिल गया। तुम्हें सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करना आता है। You know what? ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बीवी बच्चों को धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरा जीना दूभर हो गया। चुप करो। बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या? मेरी जिंदगी आराम करके अब चुप होके बैठी हुई है। क्या साबित करना चाहती है? मेरे ऑफिस में आके
सोनिया को निकलवा दिया, मैंने ऑफिस को टेक ओवर कर लिया। तू मुझे सबक सिखाना चाहती है क्या? क्या सबक सिखाना चाहती है? जब हम ब्लडी मैरिड मैन, आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ वाइफ। अब बात समझ में आई तुम्हें? अब पता चला कि किसी को पाकर भी ना पाना क्या होता है? अब समझ में आया तुम्हें कि जब तुम उस दिन मुझे छोड़ के चले गए थे तो मुझ पे क्या बीती होगी? तुम कहते हो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तो ठीक है, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारी कंपनी टेक ओवर की है, पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए कंपनी क्या? अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी तुमसे अलग कर सकती हूं। How dare you hit me again? Get out of the house! Before I call the police! Leave me! Aditya! छोड़ो मुझे! शराब पी है? No, ये खून, खून? कैसे लगी तुम्हें? हाँ? किसने मारा तुम्हें? Are you okay? That guy. कहाँ से आ रही है? आदि, क्या हुआ आदि? तुम अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। मुझे बात करो आदि, कैसे हो? क्या हुआ था? बड़ी बेदर्दी से मारा है। कौन कर सकता है सब? कातिल जो भी था, रिया सिंघानिया को अच्छी तरह जानता था। दरवाजा तोड़ा नहीं, खोला गया है। कातिल रिया की मर्जी से अंदर आया था। यहां बैठा और उसके बाद वो अपने असली इरादे पे उतर आया। लाश को देखकर लगता है कि कत्ल हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं। यानी कि कत्ल 9:30 और 10 बजे के बीच हुआ होगा, है ना? सर, वॉचमैन आ गया। तुम कहाँ थे? रात में घंटे 2 घंटे के लिए अपनी बहन के पास मिलने के लिए गया था। उसका ससुर सहारनपुर से आया हुआ है इलाज करवाने के लिए। मैं तो 11 बजे लौटने वाला था, पर पता नहीं मौसम का मुंह देखकर मैं रुक गया। यही कुछ 2:15 के लगभग जब मैं लौटा तो देखा कि मैडम की गाड़ी बाहर खड़ी है और दरवाजा खुला है। तो मैं अपनी सफाई देने के लिए मैडम के पास आया तो देखा कि मैडम की लाश पड़ी हुई है। इन फोटोग्राफ्स को देख के लगता है कि रिया के कत्ल से पहले उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। मगर सच कुछ और है। कत्ल हुआ है पर जोर जबरदस्ती से नहीं। जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। इट्स क्वाइट क्लियर कि कातिल रिया सिंघानिया को जानता था और उसके बहुत करीब था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने बहुत सफाई से
रिया का खून कर दिया और कमरे को ऐसी शक्ल दे दी जिससे ये लगे कि कत्ल करने वाला रिया का कोई दुश्मन था। आपने बताया कि आप 3 दिन से रिया से मिले नहीं थे। यस। उसने आपको कम से कम फोन तो किया होगा। नो, नहीं। और आपने? नहीं। ये आवाज आपकी है? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, but that doesn't prove anything. इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसका फोन किया है। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मेरी बीवी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और मैं नेहा को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता। Just want to keep her out of this, and please. I see. एक सलाह है मेरी आपको। अगर आप ये सब अभी नेहा को बता दें तो हो सकता है उसको कम सदमा पहुंचे। डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूँ ऑफिस के। इतनी रात को? हाँ, कुछ काम था। आदि? सब ठीक तो है ना? नहीं, या बस रिया का खून हो गया है। उसके घर पे पुलिस को लगता है कि मैंने उसे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ। क्या? मैं जानती हूँ कि तुम उसके साथ काम करते थे, तो जाहिर है शक तो तुम पे जाएगा ही। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, पुलिस परेशान करेगी, लेकिन यू डोंट वरी, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानती हूं ना कि मेरा आदि कैसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी, कोई प्रॉब्लम?
अरेस्ट वारंट। मिस्टर आदित्य मल्होत्रा को रिया सिंघानिया के मर्डर के लिए अरेस्ट करने आए हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम बकवास नहीं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अपने पति से पूछे कि कत्ल की रात वो 10 बजे के बाद कहाँ थे। इसमें पूछना क्या है, मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरे साथ थे। अच्छी बात है, आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हमें कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। छानबीन के दौरान मिले सारे सबूत मिस्टर आदित्य की तरफ इशारा करते हैं। I'm sorry, मिस्टर मल्होत्रा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितनी जल्दी हो सके ये सब अपनी वाइफ को खुद ही जाहिर कर दीजिए। I'm sorry। अब मुझे इनके सामने आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को गलतफहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकते। शाम आएगी। तो सूरज भी ये घर जाएगा। तू बता ए दिले आवारा किधर जाएगा, किधर जाएगा। जिंदगानी खफा हो गई, न जाने क्या ऐसी खता हो गई, बहुत जिंदगानी खफा हो गई। मैं रात को ही तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, क्योंकि तुम लोगों को खो ना दूं इस डर से मैं चुप रहा। माफी का हकदार तो नहीं हूं मैं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
लेकिन मैंने मैंने किसी का खून नहीं किया। बिलीव मी, थोड़ा भी भरोसा हो तो एक वकील है मिलिंद मेहता, जिन्होंने रिया को उसके पति के कत्ल से बचाया था। प्लीज उनसे मिलो, वही मुझे पेल दिला सकता है। ओके, आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ मर्डर। I love you. Hey. I love you. देखिए मैडम, मैं आपके सेंटीमेंट समझ सकता हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। मिस्टर मेहता, आपके लिए ही मुमकिन है। आप ही ने तो रिया को भी बचाया था उसके पति के कत्ल के केस में, जब सारी पुलिस फोर्स, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और ये तो सिर्फ बिल तक की बात है। प्लीज ना मत कहिए। मिसेस मल्होत्रा, मैं एक वकील हूँ, इतना तो जरूर कर सकता हूँ कि आपके पति की बेल हो जाए, लेकिन उसके बाद रिया के कत्ल से माफी दिलवाना, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिशन, उनके पास कौन कौन से गवाह हैं, कैसे कैसे सबूत हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। योर ऑनर, ये मुकदमा आईने की तरह साफ है, इट्स क्रिस्टल क्लियर। कत्ल की जगह मुजरिम की उंगली के निशान, सोनिया का लिखित बयान, आदित्य मल्होत्रा गुनेगार है, मुजरिम है, वो साबित करने के लिए काफी है योर ऑनर। वन मोर थिंग, सोनिया के मुताबिक आदित्य मल्होत्रा और रिया के बीच जिस्मानी ताल्लुकात थे। शादीशुदा होने के बावजूद योर ऑनर, उसने ये रिश्ता कायम रखा। एनीवेज, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आदित्य शायद अनजाने में रिया से प्यार करने लगा था, और जिस रोज रिया के दिल से वो उतर गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कत्ल के दो रोज पहले मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कैसे खतरनाक मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. Your Honor, लगता है सक्सेना साहब कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। अगर इनका बस चले तो ये मुजरिम को अदालत के सामने पहुंचने से पहले फांसी पर चढ़ा दे। जज साहब, मैं अपने किसी भी गवाह को अदालत के सामने पेश करने से पहले इन्हीं के गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मिस सोनिया को अदालत के सामने बुलाना चाहता हूं। आप आदित्य मल्होत्रा को कैसे जानती हैं? मैं और आदित्य एक ही एड एजेंसी में काम करते हैं। I'm sorry, काम करते थे। पर जहां तक मुझे पता है, आप खुद इस एड एजेंसी को छोड़ चुके हैं। Am I right? Right. उसकी वजह भी यही था। रिया के करीब आते ही इसने मेरे खिलाफ रिया के कान भरने शुरू कर दिए थे, और रिया ने इसकी बातों में आकर पूरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद मुझे वहां से निकाल दिया। ओह, वैसे आप रिया सिंघानिया को कब से जानती हैं? जब से उसने हमारी एड एजेंसी में आना शुरू किया था, तब से। और उनके पति मिस्टर अमित सिंघानिया को? मैं पूछ रहा हूं, आप मिस्टर अमित सिंघानिया को, जिनका 6 जुलाई को कत्ल हुआ था, उनको कब से जानती हैं? वो मैं उन्हें नहीं चाहती थी। Your Honor, मैं उस वॉचमैन को बुलाना चाहूंगा जो मिस्टर एंड मिसेस अमित सिंघानिया के लिए काम करता था। जी हाँ साहब, सोनिया मेम साहब अक्सर अमित साहब से मिलने आया करती थी। रिया मेम साहब के होते हुए या उनके पीठ पीछे? सोनिया मेम साहब तभी आती थी जब रिया मेम साहब बाहर गई हुई होती थी। आप कुछ पूछना चाहेंगे सक्सेना साहब? जस साहब, ये सब उन होटल्स के बिल्स हैं जिनमें मिस सोनिया ने मिस्टर सिंघानिया के साथ रातें गुजारी। जरूरत पड़ने पर मैं वहां के स्टाफ को
अदालत में गवाही के तौर पर पेश कर सकता हूं। मिस्टर आदित्य मल्होत्रा एक हालात का मारा हुआ नौजवान है। उसने रिया को नहीं बल्कि रिया ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मुझे अफसोस है योर ऑनर, असली कातिल तक पहुंचने की मेहनत से बचने के लिए पुलिस एक बेगुनाह को बलि का बकरा बना रही है। अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अदालत से कुछ और समय मांगना चाहता हूं। मेरे अदालत से दरखास्त है कि अगली तारीख मिलने तक इन्हें बेल दी जाए। बेल इज ग्रांटेड। अगली तारीख पे मैं तुम्हारे साथ कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। हॉस्पिटल में कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, बस मैं जिन बातों को भुला देना चाहती हूँ, कोर्ट में मुझे वही बातें बार बार याद दिलाई जाती है। And I just can't bear it. It's difficult for you, I know. पर तुम्हारे बिना मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करूंगा। क्या यह सच है ऑफिसर केली कि आप मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के ऑफिस उन्हें चेतावनी देने गए थे? मैं सिर्फ उन्हें सावधान करने गया था। किससे? रिया से। अमित सिंघानिया मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे यह पता चला कि रिया अपने फायदे के लिए लोगों से संबंध बनाती थी और मतलब पूरा होते ही उनसे छुटकारा पा लेती थी। तो आप मिस्टर आदित्य को यह समझाने गए थे कि मतलब पूरा होने के बाद अपने पति की तरह वो उससे भी छुटकारा पा लेगी। एम आई राइट ऑफिसर? देखिए, जो बात साबित नहीं हुई मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर मुझे डर था कि वो आदित्य को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। थैंक यू ऑफिसर। ये रे जी ऑफिसर, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ये फोटोग्राफ्स कोर्ट में दिखाइए और कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। पर आपको ये फोटोग्राफ्स मिले कैसे? मुझे किसी का फोन आया था, उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे और उसकी बताई हुई जगह से मुझे ये फोटोग्राफ्स मिले। आप बताना चाहेंगे उसने ये फोटोग्राफ्स कहाँ छोड़े थे? मैं सिर्फ रिया के कातिल को फांसी के फंदे पर चढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी जितनी भी मदद चाहिए मैं आपके साथ हूँ। योर ऑनर, ये तस्वीरें, ये तस्वीरें उस रात खींची गई थी जिस रात रिया सिंघानिया का खून हुआ था। नाउ योर ऑनर, अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो इन तस्वीरों पर तारीख और समय दोनों प्रिंटेड है। इससे ये साबित होता है योर ऑनर कि खून के आधे घंटे पहले मौका वारदात पर मुजरिम वहां हाजिर था। और योर ऑनर, यह आदमी पुलिस को और कानून को यह बता रहा है कि उसे कुछ पता नहीं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रिया सिंघानिया का खून इसी आदमी ने किया है। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये सच है कि मैं उस रात रिया के घर गया था, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि मैंने रिया का खून नहीं किया है। जिस रात उसका कत्ल हुआ था उस रात मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Is this what love is to you? अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी तुमसे अलग कर सकती हूँ। उस रात हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता रिया का खून किसने किया है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं सर कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोल रहा है ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर अदालत की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सक्सेना साहब मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देना चाहते, जबकि इनका दिया हुआ सबूत भी अधूरा है। आपने अदालत को अभी तक यह भी नहीं बताया कि ये फोटोग्राफ्स किसने निकाले हैं। योनर, अगर मेरा क्लाइंट चाहता तो इन फोटोग्राफ्स को ट्रिक फोटोग्राफी कहकर झूठा साबित कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कानून की मदद करना चाहता है।
कानून को मुजरिम तक ले जाना चाहता है। जस साहब, मुझे प्यार नहीं था उससे, बस मेरा पागलपन था। पता नहीं क्यों मैं उसके तरफ खींचता चला गया। काश काश की मेरी जिंदगी में आई ना होती, काश मैं उसके घर जाने से इनकार कर देता, काश मैंने अपनी बीवी से कुछ छुपाया ना होता। जैसा अगर मैं किसी का मुजरिम हूं तो सिर्फ अपनी बीवी का। अगर कोई सजा दे सकता है तो सिर्फ मेरी बीवी। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, मैं जेल जाके अपनी बीवी बच्चे से दूर नहीं रह सकता। I love them. I love you. अदालत मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की मदद चाहती है और पुलिस को हुक्म देती है कि अगली तारीख पर उस फोटोग्राफर को किसी भी हालत में अदालत में पेश करे। अब तुम्हें सिर्फ वो फोटोग्राफर ही बचा सकता है, और अगर हम उस फोटोग्राफर तक ना पहुंच पाए तो समझ लो हम केस हार गए। लेकिन हम उस फोटोग्राफर तक कैसे पहुंचेंगे? सुनिए, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप? आज तक मैं आपको गलत समझता रहा, लेकिन आपने जो कुछ भी कोर्ट में कहा उससे मुझे यकीन हो गया है कि आप बेकसूर हैं। ये केस तो मैं वापस नहीं ले सकता, मगर उन नोट्स के सीरियल नंबर है मेरे पास जिससे आप उस फोटोग्राफर तक पहुंच सकते हो। यही वो जगह है जहां उसने मुझे पैसे रखने को कहा था, और यहीं मुझे फोटोग्राफ्स भी मिले थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहां से आया था? इस शॉपिंग एरिया में काफी फोटो डेवलपिंग शॉप्स हैं। मुझे लगता है हमें एक एक दुकान में पूछताछ करनी चाहिए, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। क्यों ना उस दुकान से शुरू करें वहां। ये उसी सीरीज का नोट है। ये नोट आपके पास कैसे है? ऐसे कैसे याद रहेगा साहब, कौन दे गया कौन नहीं। इसीलिए ये लिस्ट लेकर हम आपके पास आए हैं, ताकि अगली बार कोई भी आदमी 100 का नोट लेकर आपके पास आए तो उसका नंबर इस लिस्ट के साथ मैच कर देना, और अगर मैच होता है तो तुरंत हमें फोन कर देना। ठीक है। और हाँ, हमारे नंबर भी इसमें। ओके, अभी समझ में आया ना साहब? नंबर तो मैच कर रहे हैं, बस दुआ करो कि दोबारा वो इस दुकान पर आए और वो दुकानदार हमें फोन करे। बस दुआ करो। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उसके बाद जज अपना फैसला सुना देगा। सिर्फ दुआ करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है। मुझे भरोसा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, पुलिस अभी तक उस फोटोग्राफर को नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन हमारे पास मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के खिलाफ काफी सबूत हैं, और इन्हीं सबूतों को मद्देनजर रखते हुए
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर आदित्य मल्होत्रा एक मिनट जज साहब, जज साहब, ये है वो ब्लैकमेलर जिसने उस रात रिया के घर में फोटोग्राफ्स लिए थे। आपका नाम? चंदन वर्मा। क्या ये फोटोग्राफ्स आपने लिए? जी। क्यों? मेरा पेशा है। क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपने ये फोटोग्राफ्स कब और किन हालात में लिए थे? मैं जानता था कि अमित सिंघानिया का सोनिया के साथ अफेयर चल रहा है और मैं अमित सिंघानिया को ब्लैकमेल कर रहा था। एक रात जब मैं उसके घर अपनी रकम लेने पहुंचा तो मैंने देखा कोई अमित सिंघानिया का कत्ल कर रहा है। उस वक्त मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आया और जब घर के बाहर मैं उससे टकराया तो मैंने देखा वो रिया सिंघानिया थी। मैं उसे ब्लैकमेल करने लगा। फिर उसकी जिंदगी में आदित्य आया तो मैंने सोचा आमदनी का एक और जरिया बढ़ गया। उस रात मैं उससे आखिरी डील करने गया था। वो मुझे 5 लाख रुपए देने वाली थी मगर आदित्य को वहां देखकर मैं बाहर ही रुक गया। दोनों झगड़ रहे थे और कुछ देर बाद रिया अपने कमरे में चली गई। उसके बाद आदित्य गुस्से में बाहर निकला और मैं घर के अंदर पहुंचा। रिया का मूड अपसेट था। उसने मुझे बाहर चले जाने को कहा और कहा कि तुम्हारे जो जी में आए वो करो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैं चुपचाप वहां से चला आया। फिर दूसरे दिन मैंने न्यूज में देखा कि रिया का भी खून हो चुका है। थैंक यू मिस्टर चंदन, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मिस्टर चंदन की गवाही से साफ जाहिर होता है कि कत्ल से आधा घंटा पहले मिस्टर आदित्य मल्होत्रा वहां से निकल चुके थे। फिर वो पिकासो बार गए, वहां से उन्होंने रिया को फोन किया और आंसरिंग मशीन पर एक मैसेज छोड़ा जिसकी टेप ऑफिसर केली के पास है। वहां के बारटेंडर के साथ उनकी हाथापाई हुई। योर ऑनर, क्योंकि वो इतने नशे में थे कि वहां के एक बारटेंडर ने टैक्सी के जरिए उन्हें घर भेज दिया जहां से अगले दिन उनकी गाड़ी भी बरामद हो गई। जिसकी गवाही ये बारटेंडर दे चुका है। अब प्रोसिक्यूशन के पास मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के खिलाफ ऐसा कोई भी गवाह मौजूद नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि ये खूनी है। इसलिए मैं अदालत से ये दरखास्त करता हूं कि मिस्टर आदित्य मल्होत्रा को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर सक्सेना, क्या आप मिस्टर चंदन को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे? नो योर ऑनर। मिस्टर चंदन वर्मा और बारमैन की गवाही से यह बात साफ हो गई कि कत्ल की रात मिस्टर आदित्य मल्होत्रा मौका वारदात पे मौजूद जरूर थे लेकिन रिया सिंघानिया के कत्ल से उनका कोई वास्ता नहीं था। प्रोसिक्यूशन ने अब तक जितने गवाह पेश किए हैं उनके जरिए भी यह बात पूरी तरह से साबित नहीं होती है कि मिस्टर आदित्य मल्होत्रा ने रिया सिंघानिया का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर आदित्य मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को यह हुक्म देती है कि असली गुनहगार की तलाश करे। द केस इज डिसमिस्ड। हेलो, हेलो, हैव अ सीट। यू आर अ वेरी लकी मैन कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। अगर वो लास्ट मिनट पे उस फोटोग्राफर को ना लाई होती तो इस केस का रुख कुछ और होता। एक मिनट, एक मिनट, चंदन को नया नहीं दिवाकर लेके आया था? जी नहीं, दिवाकर तो उसे सिर्फ कोर्ट में लेके आया था। असली काम तो नेहा का है। जब सिल्वर स्टूडियो के मालिक को चंदन के बारे में मालूम पड़ा उसने आपके घर पे फोन किया पर फोन नेहा ने उठाया और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुद चंदन से मिलने गई और उसे तुम्हारे हक में गवाही देने के लिए राजी कर लिया। नमस्ते नेहा जी, पत्नी हो तो आप जैसी। आपने इनके लिए इतना कुछ किया और इन्हें बताया तक नहीं। आप लोग चाय पीजिए, मैं चलता हूं। बाय। Thank you.
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने बेटे के सर से बाप का साया हटते नहीं देख सकती थी। उसे बचाने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे सही लगा। दुनिया की नजरों में वो जायज हो या ना जायज, मैं एक माँ हूं आदि। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कातिल को जानती हो। हाँ जानती हूँ। तो फिर कोर्ट में उसका नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि कातिल का नाम बताने से मेरे बेटे से उसकी मां छिन जाती। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हिस्से का वक्त उसे चुरा कर देते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हारा हर रोज देर से आना, बात बात पे मुझसे झूठ बोलना, ऑफिस के वक्त में ऑफिस में ना रहना। जी तो चाहता था कि मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लूं, लेकिन उस रात रेस्टोरेंट से लौटने के बाद जब तुमने ऑफिस जाने की बात की तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें रिया के घर जाते देखा। मैं तुम्हारी हर बात पे नजर रखने लगी। जब मुझे अलमारी में तुम्हारी और रिया की तस्वीरें मिली तब मेरा शक यकीन में बदल गया। जिस रात मैंने घर छोड़ने की बात की तब मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो। मैं टूट चुकी थी लेकिन मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। और तब मैंने फैसला किया रिया से मिलने का। मैंने उसे तस्वीरें दिखाई और उसे समझाने की कोशिश की कि वो हमारी जिंदगी से निकल जाए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे घर से निकल जाने को कहा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, अपना घर, अपने बच्चे का वास्ता दिया, पर उसने इसे मेरी कमजोरी समझा। वो उल्टा हमारे रिश्ते को गाली दी, तुम्हारी बेइज्जती की। उसने ऐसी ऐसी बातें की जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे क्या पता था कि मेरे किए की सजा तुम्हें मिलेगी। क्या तुम? हाँ मैं। रिया सिंघानिया का खून मैंने ही किया, लेकिन वो सिर्फ एक हादसा था आदि। जब तुमने कोर्ट में ये बताया कि कत्ल की रात रिया के घर पे क्या हुआ तब मैं समझी जो मैंने देखा वो मेरी नजरों का धोखा था। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तब मैंने वो सब कुछ किया जो एक पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए करना चाहिए। उसने चंदन को ढूंढा और मैंने चंदन की कमजोरी को। यहां पे आने से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करके आई हूं। चंदन वर्मा, मेरठ के रहने वाले हो, पेशे से तो फोटोग्राफर हो लेकिन धंधा ब्लैकमेलिंग का, जो गैर कानूनी है। तुम्हें क्या लगा मेरा घर बर्बाद करके मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने दूंगी? तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम जेल में सड़ो या फिर सरकारी गवाह बन जाओ। तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये बता के कि मैं रिया के बारे में सब कुछ जानती थी, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। तुम मेरे पास लौट के आ चुके थे, मेरे लिए इतना ही काफी था। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कुछ चीजों पे पर्दा डालना बहुत जरूरी होता है।
वरना जिंदगी बिखर जाती है आदि। मैंने वही किया जो मैंने अपने परिवार के लिए सही समझा। अब अनजाने में लाइटर, हमेशा गलत वक्त पे सिगरेट पीता हूं और सही वक्त पे लाइटर भूल जाता हूं। आपने ठीक कहा नेहा जी, जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कुछ चीजों पर पर्दा डालना बहुत जरूरी होता है, वरना जिंदगी बिखर जाती है। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आप दोनों की जिंदगी बिखरे। All the best. Adi. Sorry, Adi. कहीं